दीघापुर शहर 10 साल की बच्ची की रहस्यमय मौत के केस के चलते सवालों के घेरे में है। विपक्ष ने अब इस मामले में सीबीआई जांच की मांग। पीड़िता दीघापुर के लीलावती भंडारी हाई स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्रा थी। 2 हफ्ते पहले रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। हमने पीड़िता की माँ से विशेष रूप से बात की। हम लोग तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमारी बेटी की दोषियों को फांसी नहीं दी जाती। हमें पुलिस की गई जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैंने और मेरे पति ने फैसला किया है कि जब तक हमारे केस की जांच बड़े अधिकारी नहीं करते तब तक हम पुलिस थाने के सामने ही भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। मैं दीघापुर के लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाए। पीड़िता के माँ बाप को लगता है कि पुलिस पीड़िता उनके परिवार के साथ नहीं है, उन्हें न्याय नहीं दिला सकती। उन्हें लगता है कि पुलिस और कई समाज सेवक दबाव में है, इसलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जो भी उस बच्ची और उस परिवार के साथ खड़ा है, मैं उन सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि उस बच्ची की मौत के पीछे जो भी जिम्मेदार है उन सबको सजा होके रहेगी। हमने फैसला लिया है कि इस केस को सबसे काबिल क्राइम ब्रांच की टीम को सौंपेंगे, जो इस केस की तह में जाकर सच्चाई को सामने लाएगी। और मैं आप सभी को आश्वासन देता हूँ कि आगे चलकर हम ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने। ब्रेकिंग न्यूज, दीघापुर रेप केस की इन्वेस्टिगेशन को पुलिस की नाकामी को देखते हुए पुलिस के हाथों से हटाकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्या वाकई मामले की वास्तविक जांच करके सच्चाई को सबके सामने लाया जाएगा या फिर पहले की तरह फिर से केस को दबाने की कोशिश की जाएगी? सर, श्रुति में तो केस की फाइल है, इसमें लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी है। पढ़ी तुमने? कुछ दबाने की कोशिश की गई है क्या? पहली नजर में तो लग नहीं रहा है सर, पर इस केस में जितना हंगामा हुआ है काफी लोगों ने काफी कुछ करने की कोशिश की होगी। ठीक है, शुरुआत से शुरू करते हैं। बताओ लड़की को एग्जैक्टली क्या हुआ था? यस सर। सर मामला 14 जुलाई का है। विक्टिम का नाम है श्रुति, उम्र 10 साल। बहुत बुरी तरह से ब्लीडिंग हो रही थी सर। विक्टिम को लीलावती भंडारी हाई स्कूल जहां पर वो पढ़ती थी वहां से सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया था। इस दौरान उसकी हालत बद से बदतर हो रही थी। श्रुति को उसके स्कूल के 2 मेड साध्या बैग और आरती पासवान डीएल मेमोरियल हॉस्पिटल लेकर गए। खून रुक ही नहीं रहा है, क्या करें? क्या कर सकते हैं, जल्दी चलिए भैया, हालत खराब है बच्ची की। हेलो। हेलो कावेरी, मैं तो हाँ कावेरी बोल रही हूँ। मैं महेश चतुर्वेदी बोल रहा हूँ, लीलावती भंडारी स्कूल का कोऑर्डिनेटर। आप जल्दी से डीएल मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचिए। क्यों महेश जी, श्रुति तो ठीक है ना? आपकी बच्ची को बहुत ब्लीडिंग हो रही है, अब ज्यादा सवाल मत कीजिए, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचिए। अरे लेकिन हुआ क्या है श्रुति को? खून बह रहा है बता रहे थे, कुछ साफ साफ नहीं बोले मैंने और बस जल्द से अस्पताल पहुंचने को कहा है। सिस्टर सिस्टर, हमारी बच्ची कैसी है? श्रुति नाम है उसका, स्कूल वाले लाए, कहाँ है वो? कौन, वो 10 साल की बच्ची? हाँ, जिसकी ब्लीडिंग हो रही थी। हाँ वही, कहाँ है? वो तो मर गई, मरी हुई तो लाए थे उसको यहाँ। श्रुति प्लीज आप लोग दूर रहिए, प्लीज आप लोग दूर रहिए, पुलिस आ रही है। हमारी बेटी है वो, हमें देख लो तो दे देखिए, लेकिन दूर से, इसे मरी हुई हालत में लाया गया था यहाँ पे। अरे झूठ बोल रहे आप, ऐसे कैसे मर गई? देखिए जब इसे हॉस्पिटल लाया गया था तब ये मर चुकी थी, बहुत खून बह गया था। अरे लेकिन खून क्यों बह रहा था, क्या हुआ था हमारी बेटी के साथ? ज्यादा खून बह जाने की वजह से मौत हो गई? आखिर श्रुति महतो के साथ स्कूल में ऐसा क्या हुआ था? कई सवाल सर उठा रहे थे और इन सवालों के जवाब इस 10 साल की बच्ची के साथ हुए भयानक अपराध के रूप में सामने आने वाले थे। मनोहर भाई, स्कूल वाले लेके गए थे ना, क्या कहा उन लोगों ने, हुआ क्या था श्रुति को? कुछ नहीं बोले वो लोग, हॉस्पिटल वाले तो ठीक से देखने भी नहीं दिया हमारी बेटी को। अरे ऐसा क्या हो गया स्कूल में? कल ही तो शाम को खेल रही थी निशा और मोनू के साथ, तब तो एकदम ठीक थी। अरे स्कूल भी आज खेल कर गई थी, कोई तकलीफ होती तो मेरी बच्ची मुझे नहीं बताती क्या? मैंने ही स्कूल छोड़ा था उसको, पैसे भी मांगी थी, बोली मम्मी सब लोग गोला खाते हैं स्कूल में, हम भी खाएंगे। मम्मी 5 रुपए चाहिए, गोला खाना है, सब लोग खाते हैं। पैसे नहीं है, पगार आने दे, दे दूंगी 2 हफ्ते बाद। 2 हफ्ते बाद? मम्मी 2 हफ्ता कितना दूर है, 2 हफ्ते में कुछ हो गया तो? श्रुति इसे नहीं बोलते बेटा, समझदार हो रही है ना तू, पैसे बचते नहीं है ना। लेकिन 2 हफ्ते बाद पक्का दे दोगी ना? पक्का दे दूंगी। बोल रहे थे बहुत खून बह गया इसलिए नहीं बची। कावेरी, मनोहर भाई, पक्का स्कूल में ही कुछ हुआ है, पता करो, स्कूल वाले कुछ छुपा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे खून बह गया, कहाँ से बह गया, पता क्यों नहीं ये लोग?
प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हुई है काफी ज्यादा मात्रा में। तो ये सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है? बिना एग्जामिनेशन के कुछ भी बताना जल्दबाजी होगी। खून काफी बहा है, पहले ये देखना होगा कि ये पीरियड्स था या कुछ और। किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ होगा, खेल कूद या कोई चोट? त्यागी जी, मैं अभी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं दे सकते, इसमें टाइम लग सकता है। मुझे मेरी टीम के साथ इस पर काम करना होगा, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। हुआ क्या था एग्जैक्टली? सर, उस वक्त हिंदी की क्लास चल रही थी, तब मैंने देखा कि श्रुति लास्ट बेंच पर सर नीचे रख कर बैठी थी, तो मैंने उसे आवाज दी क्योंकि उसका क्लास में ध्यान नहीं था। मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना, चलो लिखो अपनी अपनी कॉपियों में। श्रुति देखो तो जरा, ये लड़की सो रही है क्या? हाँ मिस, इसकी तबीयत ठीक नहीं है और बहुत खून भी निकल रहा है। श्रुति, श्रुति, श्रुति क्या हुआ आपको? मिस, इसके बहुत खून निकल रहा है और जमीन पर भी गिरा हुआ है। श्रुति तुम ठीक हो? श्रुति बेटा क्या हुआ आपको? फिर मैंने तुरंत हमारी प्रिंसिपल निधि मैम को इन्फॉर्म किया क्योंकि उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं रही थी। हाँ मैंने भी देखा, पर मुझे लगा कि शायद बच्चे के पीरियड शुरू हो गए होंगे, इसलिए तुरंत ही मैंने स्कूल मेट सादिया और आरती को बुलाया और उसे टॉयलेट ले जाकर उसे हेल्प करने को कहा। शायद पहली बार है, इसको टॉयलेट लेकर चल करा दो। हाँ आराम से चलो, पूरा खून खून हो गया है। पैडर एक और। तीन पैकेट खत्म हो गए मैडम, बच्ची के कपड़े पूरी तरह से भीग गए हैं लेकिन खून रुक ही नहीं रहा है। तो क्या हुआ है उसे, कुछ समझ आ रहा है? मुझको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बच्ची की हालत बहुत ज्यादा खराब है। नहीं मैडम, खून बंद ही नहीं हो रहा है। महेश ये नॉर्मल वाली ब्लीडिंग नहीं है, कुछ गड़बड़। और डॉक्टर कितनी देर में आ रही? निकल चुकी होगी, आती होगी। और इंतजार नहीं कर सकते। सादिया, आरती, मैं रिक्शा लेके आ रहा हूँ, बच्ची को डीएल मेमोरियल हॉस्पिटल लेके जाना है। भैया ऑटो स्टार्ट करो। इसके बाद हमने सुना कि श्रुति नहीं रही, हम शॉक थे क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या था। हाँ हमने इतनी ब्लीडिंग होते इतनी छोटी बच्ची को कभी नहीं देखा। टॉयलेट में ले गए थे ना उसे, कहाँ दिखाइए। ये क्या है? पता नहीं, शायद सादिया और आरती को पता होगा, वही श्रुति को यहाँ लाई थी। जल्दी बुलाइए दोनों को। जी हमें नहीं पता साहब। दिखाई नहीं दे रहा क्या है ये? कहाँ से ब्लीडिंग के साथ गिरा था? उस वक्त श्रुति की हालत इतनी खराब थी कि हमें कुछ सूझ नहीं रहा था, किसी तरह खून रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये कहाँ से आया, इस पर तो ध्यान भी नहीं गया हमारा। मास्क का अंश लग रहा है ये। महेश, निधि जी, ये बाथरूम सीख कर रहे हैं। गर्ल्स टॉयलेट में उस चीज के मिलने से इस केस में चौंकाने वाला खुलासा होने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे 10 साल की श्रुति महतो के साथ ये अपराध काफी पहले ही हो चुका था। ऐसा क्या मिला था स्कूल टॉयलेट में, इस बात पर बहुत हंगामा होने वाला था। कल्पेश, ये केस जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं सर। टॉयलेट में कुछ अंश मिला है जो शायद मांस का टुकड़ा है। मांस का टुकड़ा? हाँ सर, फॉरेंसिक को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने डॉक्टर रागिनी प्रधान को बुलवा लिया। 5 मिनट में यहाँ पुलिस आई है सर, हम सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं लेकिन गर्ल्स टॉयलेट से कुछ मिला है उन्हें। देखो महेश, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारे स्कूल के नाम पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। पुलिस जो बोले जैसा बोले पूरा सहयोग करो उनको। पुलिस की जांच में हमारी तरफ से किसी भी रुकावट की कोई खबर नहीं सुनना चाहता मैं, समझ गए तुम? हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी, मैंने किसी स्टाफ को भी घर नहीं जाने दिया, वो जिससे चाहे पूछताछ कर सकते। पापा ये सब अचानक कैसे हो गया? आज सुबह मैं खुद थी स्कूल में, तब सब ठीक था। महेश बोल रहा था 11 बजे हुआ।
अगर 10 साल की बच्ची को ऐसे पीरियड्स आ सकते हैं क्या? Yeah, it's possible. होता है कभी किसी को जल्दी. लेकिन अनामिका, पुलिस कह रही थी कि जहां टॉयलेट में श्रुति को ले जाया गया था वहां पर उन्हें कुछ ऐसा मिला जो शायद मांस का अंश था. हे भगवान, ऐसा क्या हुआ था उस लड़की को? क्या मिला है आपको? संजय, मैं वहाँ प्रिंसिपल और स्कूल वालों के सामने कुछ भी बोलना नहीं चाहती, लेकिन आप लोगों को इतना बता दो कि कुछ तो है जो शौक है. रागनी, टॉयलेट में मिले मास्क के टुकड़े से कुछ पता चला? क्योंकि एक बात मुझे ठीक नहीं लग रही कि 10 साल की बच्ची की ब्लीडिंग में मास्क के टुकड़े गिरे. मैंने भी तो यही कहा संजय, मैं वक्त से पहले अंदाजे से कुछ बताना नहीं चाहती. बस आज का दिन दे दीजिए मुझे. मनोहर जी, आपको आपके बच्चे की डेड बॉडी कल दोपहर को ही मिलेगी. कम से कम दिखा तो दीजिए, मुझे देखना है मेरी बच्ची को. पोस्टमार्टम हो गया है कावेरी जी, लेकिन आई एम सॉरी, मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगी. डॉक्टर साहब, हुआ क्या था हमारी बच्ची को? अरे आप लोग बता क्यों नहीं रहे? क्यों इतना खून बह रहा था? हम भी वही पता लगा रहे हैं कि श्रुति को क्या हुआ था. खा ले बेटा, ले. अरे सुबह से कुछ नहीं खाया तूने, खा. मोनू, तू खा बेटा, तुझे देखेगी तो ये भी खाएगी, खा. दीदी को क्या हुआ था? कहाँ है दीदी? अभी कुछ नहीं पता बेटा, किसी को कुछ नहीं पता है. फिर दीदी के पास जाना है. सर आप बेफिक्र रहिए, हमारे स्कूल में कुछ नहीं हुआ. और ये मीडिया वालों को कौन बताएगा महेश जी? हर न्यूज चैनल में नाम आ रहा है, लीलावती भंडारी हाई स्कूल. उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ हो, कहीं भी हुआ हो, मगर ब्लीडिंग हमारे स्कूल में हुई है. हमें उसकी फैमिली को थोड़ा बहुत कंपनसेट तो करना चाहिए. हमने इतना कुछ तो किया किशन जी, जब से उस लड़की की ब्लीडिंग के बारे में पता चला तब से लेकर उसे हॉस्पिटल पहुँचाने तक हमने कोई कसर नहीं छोड़ी. और क्या करें? देखो महेश, डैमेज कंट्रोल के लिए तुम्हें मीडिया से बात करनी होगी. जो भी हो, वो कैसे हुआ, ब्लीडिंग से लेकर स्कूल्स के स्टाफ ने उसके इलाज करने तक कितनी मेहनत की, वो सब बताओ उन्हें. कर पाओगे? जी सर, बिल्कुल कर दूंगा. दो चार मीडिया वाले मेरे पहचान के हैं, मैं अभी फोन कर देता हूँ. नहीं नहीं, फोन पर नहीं, सलीके से स्कूल की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करके बताओ उन्हें. और महेश जी, उस मांस के टुकड़े का क्या, वो कहाँ से आया? उसके बारे में पता नहीं चला, पानी में इतना ज्यादा घुल गया था कि शायद बह भी गया हो. डॉक्टर रागनी प्रधान ने सैंपल लिए हैं, वही बता पाएगी. उसके बाद फोरेंसिक भी आई थी, पूरा स्कूल चेक किया उन लोगों ने. देखो महेश, स्कूल का नाम खराब नहीं होना चाहिए. न जाने कितने सारे गिद्ध नजर गड़ा के बैठे ट्रस्ट को और स्कूल को हड़पने के लिए. इस खबर से उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए. श्रुति महतो की स्कूल में शुरू हुई ब्लीडिंग और उसके बाद उसकी मौत की खबर जंगल में लगी आग की तरह शहर भर में तेजी से फैल गई. हर चैनल पर इस दुखद घटना का ही जिक्र था. सभी को लग रहा था कि इस केस में जो दिखाई दे रहा था उससे भी ज्यादा कुछ था. ऐसे में सभी अपना अलग अलग अंदाजा लगा रहे थे कि श्रुति के साथ क्या हुआ होगा. हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यह कोई साधारण ब्लीडिंग नहीं थी जिसके चलते 10 साल की पीड़िता की मौत हुई हो. यह बात अभी खुलकर नहीं बताई जा सकती, लेकिन ये पता चला है कि पुलिस को पीड़िता के खून के साथ कुछ और भी मिला. देखिए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अंदाजा लगाकर कोई अफवाह ना फैलाएं. मामले की जांच चल रही है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है. सर ये सवाल उठ रहे हैं, स्कूल ऑनर मदन लाल भंडारी बाहुबली है, इसलिए पुलिस स्कूल स्टाफ को हिरासत में लेकर कोई पूछताछ नहीं कर रही है. कोई बाहुबली हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, पुलिस अपना काम कर रही है. जैसे हमें कुछ भी पता चलेगा हम दोषियों को तुरंत अरेस्ट करेंगे और सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा. लेकिन प्लीज तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि अंदाजा लगाकर कोई अफवाह ना फैलाएं. गायत्री जी, कुछ तो सोचिए उस बच्चे के बारे में. उसकी चिता की अग्नि अभी शांत नहीं हुई, आप लोगों ने उसके नाम पर नोच खसोट करना शुरू कर दिया. कोई भी उस बच्चे को दोषी नहीं ठहरा रहा है भंडारी जी,
सवाल बस इतना सा है कि क्या आपके स्कूल के अंदर उस बच्चे के साथ कुछ हुआ है? मैडम, आप बिना किसी सबूत के किसी पर कीचड़ कैसे उछाल सकती हैं? पुलिस अब भी कार्रवाई कर रही है, हम उन्हें पूरा सहयोग दे रहे हैं। भंडारी जी, आपके स्कूल के रवैये पर जगदीश जी ने खुद हमारे स्टूडियो में सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि बच्ची के साथ जो भी हुआ है आपके स्कूल के अंदर हुआ है। इन आरोपों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी जरूर कहना चाहूंगा। इस जगदीश से इंसानियत की कोई आशा नहीं है। वो तो हमारी बदनामी करने पर उतावला है, वो हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहा है और आप लोग उसे प्रोत्साहन दे रहे हो। अब आप ही बताइए, स्कूल मैनेजमेंट की बातों पर कोई कैसे भरोसा करे? सुबह तक तो वो लड़की अपने घर पर ठीक थी, अब स्कूल के क्लासरूम में जाकर उसके साथ ऐसा क्या हुआ? जाहिर सी बात है, जो कुछ भी हुआ है वो स्कूल के अंदर ही हुआ है, और साफ साफ दिख रहा है कि भंडारी जी और उनकी बेटी अनामिका, जो कि स्कूल की संचालिका भी है, वो कुछ ऐसा जानते हैं जो उनके लिए और उनके स्कूल के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। किस बात पर पर्दा चढ़ा? कुछ हुआ था बच्ची के साथ, आप कुछ जानते हैं? ये तो आप जाकर स्कूल के स्टाफ से पता कीजिए। सुना है कि लड़की के खून के साथ वहाँ पर कुछ और भी मिला है। अब स्कूल का स्टाफ क्या छुपा रहा है, ये तो आपको गहराई में जाकर पता करना है। क्या छुपा रहे हैं हम? देखिए, वहाँ जो भी था वो पुलिस को मिला है और उसे जांच के लिए भेज दिया गया है। देखिए, आप एक काम करिए, आप जगदीश जी से ही पूछिए कि अगर उन्हें कुछ पता है तो वो सामने आए और हमें भी बताए। और वैसे भी जगदीश जी इन्वेस्टिगेशन पूरा होने से पहले अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार बैठे, तो जो कुछ पूछना है आपको उनसे पूछे, ना पुलिस से ना हमसे, हमें कुछ नहीं पता। श्रुति महतो की माँ कावेरी महतो दूसरों के घरों में मेड का काम करती है। कावेरी सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग घरों में काम करते हुए अपना वक्त गुजारती है। श्रुति का पिता मनोहर महतो पेशे से इलेक्ट्रीशियन है, वो इलेक्ट्रिक स्टोर पर काम करता है। अपने स्कूल से छूटने के बाद हर शाम श्रुति अपनी बहन निशा को उसके स्कूल से लेते हुए घर आती। इसके बाद वो दोनों बच्चियां अपने पड़ोसी कालू यादव और प्रमिला के घर में रहती जब तक उनकी माँ कावेरी काम से वापस नहीं आ जाती। कालू यादव पेशे से प्लम्बर है, जो कि काम के बीच दोपहर में खाना खाने के लिए घर आता है। श्रुति और निशा हर शाम कालू और प्रमिला यादव के बेटे मोनू के साथ तब तक खेलती रहती थी जब तक कि उनकी माँ वापस नहीं आ जाती थी। उनकी बेटी की मौत से उठा तूफान अब पूरी तरह से सब पर हावी होने वाला था। मैं ऐसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बीच में इंटरव्यू कैसे दे सकती हूँ? इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, सच सामने आए, उसके बाद ही मैं कुछ बात कर सकती हूँ। तब तक आप चाहे तो कोऑर्डिनेटर महेश जी से बात कर सकती है। जी, ये क्या बवाल मच रहा है? हम जितना कर सकते थे हमने किया, लेकिन जो सामने आ रहा है वो सुन के सबके होश उड़ जाएंगे। तुम्हें कुछ पता चला है क्या? श्रुति शायद प्रेग्नेंट थी। What? क्या बोल रहे हो तुम? डॉक्टर अग्नि प्रधान ने बताया पुलिस को। कल्पेश, संजय, सिर्फ अंदाजे के बेस पे मैं उस समय कुछ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन जब मैंने बाथरूम में ब्लड के साथ वो मांस का टुकड़ा देखा तभी समझ गई थी कि ये फीटस है। तो आपको लगता है वो 10 साल की बच्ची प्रेग्नेंट थी? हाँ, और शायद उसे पिल्स दिए गए थे, इसीलिए उसके शरीर से ये मांस का टुकड़ा बाहर निकल गया। विक्टिम को ब्लीडिंग के साथ जो मांस का टुकड़ा बाहर आया था, दरअसल वो उसके गर्भ में पल रहे फीटस का एक हिस्सा था, उसे पिल दिया गया था, और विक्टिम का शरीर अडल्ट के लिए बनाई हुई इस पिल का इम्पैक्ट सहन नहीं कर पाया। तो हम ये माने कि बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, राइट? देखिए, ये बताना पुलिस का काम है। हाँ, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि उसे प्रेग्नेंट किया गया था, जो कि एक अपराध है। वो 10 साल की बच्ची थी, उसके साथ घिनौना काम किया गया। कल्पेश, ही अचानक रातों रात होने वाली चीज नहीं। उस स्कूल कोऑर्डिनेटर महेश चतुर्वेदी को उठाओ, स्कूल में से ही किया है किसी नए बच्ची के साथ। मुझे भी लग रहा है कि ये सब काफी टाइम से चल रहा होगा। जरूरत पड़े तो एक एक स्टाफ से बात करो, सब मिलकर कुछ छुपा रहे। मनोहर अपनी पत्नी के साथ तुरंत थाने पहुंचो, कुछ बात करते। जी, पुलिस ने थाने पे बुलाया, जल्दी चलो। कुछ मालूम पड़ा क्या? पुलिस ने क्या बताया मनोहर? हमारी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ था क्या? यकीन करना भी मुश्किल है कि इतनी छोटी सी बच्ची का किसी लड़के के साथ ऐसा कुछ होगा। महेश चतुर्वेदी, बच्ची के साथ किसी ने गलत किया, और जब उसे मालूम पड़ा कि बच्ची के साथ क्या हुआ है तो उसे पिल्स दिए गए। इस स्कूल में जितने भी मेल पियंस हैं सबके नाम चाहिए मुझे। लेकिन इंस्पेक्टर, मेल पियंस को गर्ल्स के कॉन्टेक्ट में आने के लिए परमिशन नहीं है, लड़कियों के लिए फीमेल पियंस रखी है। निधि जी, असॉल्ट करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती।
लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं वैसा कुछ भी होता तो श्रुति ने कम से कम अपने माँ बाप को कुछ तो बताया ही होता। ऐसा लग रहा है पेट में कुछ हो रहा है और तब बहुत दर्द होता है। क्या हो रहा है श्रुति? मालूम नहीं लेकिन दो तीन दिन से उल्टियां भी हो रही है। मनोहर कावेरी आप लोगों को इस बारे में जो कुछ भी पता है बिना हिचकिचाए बताएं। क्या बता दे साहब, ये सच नहीं है। हमारी बच्ची किसी लड़के के साथ ऐसा नहीं कर सकती। सिर्फ 10 साल की थी वो। हम भी आपकी तकलीफ समझते हैं। आपकी बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ हम भी उस पर उतने ही हैरान। 10 साल की उम्र ना समझ होती, उसे तो पता भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग हमसे ये क्या पूछ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो श्रुति हमें नहीं बताती क्या? जब मैंने उसे स्कूल छोड़ा तो वो ठीक थी, उसको कोई दर्द कोई तकलीफ कुछ नहीं थी, और अब आप हमारी बच्ची के बारे में ये कैसी बात कर रहे हैं? देखिए हमें डॉक्टर से जो कुछ पता चला वही आपको बता रहे हैं। स्कूल वालों से पूछताछ हो रही है, लेकिन हो सकता है कि जिसने भी ये सब कुछ किया वो स्कूल से बाहर का हो। शायद आपके गली मोहल्ले का। आपको किसी पर शक है? नहीं साहब, जानते नहीं तो ऐसे कैसे किसी का नाम ले लें। लेकिन मोहल्ले में सब जानते थे हमारी बच्ची को। जमाना हो गया हमें यहाँ रहते हुए, यहाँ ऐसा कोई नहीं कर सकता। सुनो इसमें दो गोलियां, ध्यान से आज रात में खा लेना, सब ठीक हो जाएगा, भूलना मत। दर्द की गोली है? हाँ इससे दर्द भी ठीक हो जाएगा, ये ले। लेकिन दर्द हो क्यों रहा है? अरे होता है लेकिन किसी से बताया नहीं जाता। ये गोलियां खा लेना, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ किसी से बताना मत, मम्मी से भी नहीं। अरे बच्ची थी वो साहब, सिर्फ 10 साल की थी, किसने किया उसके साथ ये सब? पूरा शहर यही जानना चाहता है कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। हम उस अपराधी को पकड़कर श्रुति को न्याय दिलवाना चाहते हैं, लेकिन उसने अपने घर में क्यों नहीं बताया, क्यों छुपाया? इसका मतलब उसे डराया गया, फुसलाया गया, या फिर शायद उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। आपको कभी शक नहीं हुआ कि वो किस दर्द से गुजर रही है? मनोहर क्या तुम्हारा ध्यान कभी किसी अटपटी बात की तरफ गया? क्या ऐसा उसके साथ कौन कर सकता है? कौन हो सकता है साहब? लड़कियों का कोई भी काम होता है हम लोग सादिया और आरती से ही बोलते हैं। कल्पेश जी इन लोगों को तो सख्त हिदायत है, कितना भी अर्जेंट हो अगर मामला लड़कियों से जुड़ा है तो फीमेल स्टाफ को इन्फॉर्म करो। महेश मुझे इनसे बात करने दोगे या तुम्हें ही कस्टडी में लेकर अपनी स्टाइल में पहले तुमसे शुरू करो? देखिए साहब इन लड़कियों के मामले से हमारा कोई लेने देना नहीं। हमारे सीनियर सर ने बोला है कि अगर तुम उन लड़कियों के पास भी गए ना तो तुम लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है तुम नहीं तो कोई और होगा, इस स्कूल में लड़के भी बहुत हैं। कभी किसी भी लड़के को देखा श्रुति के साथ या उसके आसपास भी? लड़कियों के बारे में अगर सही जानकारी चाहिए तो वो फीमेल स्टाफ ही दे सकती है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक लड़की के साथ ऐसा कुछ हो और किसी को कुछ नहीं पता चला? अब हम कितनी कोशिश करते हैं मैम कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखा सके, और उनसे पूछते भी हैं कि उनको किसी ने बैड टच तो नहीं किया। अब इसके बावजूद भी अगर श्रुति ने किसी को कुछ नहीं बताया तो क्या कर सकते हैं? ब्लीडिंग वाले दिन तुमने श्रुति से पूछा था ना, क्या बताया था उसने? मैंने पूछा था उससे कि क्या हुआ पर उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं भंडारी जी को क्या बताऊं, वो तो यही पूछ रहे कि जब ये सब हो रहा था तो हम कर क्या रहे थे, कुछ सुना ही नहीं चाहते। श्रुति ने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया तो हमको क्या बताती? साल की थी वो कालू, उसको बड़े लोगों की बातों का क्या पता होगा? और ये बात हजम नहीं होती है कि उसने कावेरी बहन को कुछ नहीं बताया। मुझे तो लगता है ना पुलिस वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अनाप सनाप बातें कर रहे हैं श्रुति के बारे में, और अब तो लोग भी बात करने लगे हैं किसके साथ थी, किसने किया, कौन था। क्या लगता है आपको किसने किया होगा उसके साथ ऐसा? ऐसे मुझसे क्या पूछ रहे हो प्रमिला, मुझे क्या पता किसने किया होगा ऐसा? हद हो गई संजय, एक छोटा सा केस भी तुमसे हैंडल नहीं हो रहा है, बवाल मचा दिया है तुमने। हर पेपर हर चैनल पे बस वो 10 साल की बच्ची है। सर हम बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं इस केस के बारे में,
हमसे बात करने के बाद ना जाने कौन मीडिया में लीक कर देगा, हम किस किस को रोके सर? अगर लीक नहीं रोक सकते ना तो थोड़ा सा एफर्ट डालो और इस केस को खत्म करो। क्यों खींच रहे हो इतना? मैं तो साफ देख रहा हूँ कि ये काम किसी अंदर वाले का है। पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, फिर उसको पिल दिया गया और बच्ची ने भी किसी को नहीं बताया। ऐसे थोड़ी है ना कि वो किसी की भी बात माने। ये इतनी छोटी सी बात तुम लोगों के ध्यान में नहीं आ रही क्या? सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, स्कूल में भी सभी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और विक्टिम के एरिया में भी लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमने उसके माँ बाप से भी पूछताछ की सर। तो तुम्हें कोई मिल क्यों नहीं रहा है? यहाँ पूरे दिगापुर में आग लगी हुई है और मैं नहीं चाहता कि इस आग का धुआं पूरी देश की मीडिया देखे। 24 घंटे है तुम्हारे पास, जो करना है करो, जिसे तोड़ना है उसे तोड़ो। छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी, कोई भी हो, उसकी फिक्र तुम मत करो। लड़की के आस पड़ोस और उसके माँ बाप को चेक करो, अगर वो कहते कि उन्हें कुछ पता नहीं तो झूठ बोल रहे वो लोग। 10 साल की लड़की तकलीफ में थी और कैसे नहीं दिखा उनको? सादिया किसी से डरने की जरूरत नहीं है, स्कूल मालिक से भी नहीं और आरती तुम्हें भी। तुम लोगों को जो भी पता है मुझे बता दो। सर जब हमको कुछ पता ही नहीं है तो हम आपको क्या बताएं? सर श्रुति को जानते थे हम, मगर 14 जुलाई से पहले उसने हमें कभी कुछ नहीं बताया। अगर बताया होता तो हम जरूर महेश सर या निधि मैडम को बता देते। मैं समझ सकता हूँ कि अपने ही स्कूल स्टाफ के खिलाफ आवाज उठाना इतना आसान नहीं है, लेकिन पुलिस है तुम्हारे साथ और शुरू से लेकर आखिरी तक रहेगी। स्कूल का कौन सा लड़का था, या फिर कोई पियून था? इनमें से कोई भी नहीं था। महेश था या फिर खुद स्कूल मालिक मदनलाल भंडारी या फिर उसके बेटे किशन भंडारी ने किया ये सब? तुम लोग चुप क्यों? किसी ने धमकाया तुम लोगों को? डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ। नहीं किसी ने चुप रहने के लिए नहीं कहा, लेकिन सर हमें कुछ बताना था। जो भी है साफ साफ बताओ। सर हमें तो बच्ची का बाप मनोहर वही सही नहीं लग रहा। आप माँ को देख लीजिए, रो रो के बुरा हाल है उसका, पर मनोहर ना रोता है ना चिल्लाता है, बस चुपचाप खड़ा रहता है वहाँ। अरे अपनी बेटी के साथ इतना कुछ हो गया और बाप की आंख में एक आंसू नहीं आया? मैं अपनी बेटी को वैसी गोली दूंगा, मैं दूंगा। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? दिमाग ठीक है आपका? और तुम्हारी बेटी अब मर चुकी है, दुष्कर्म हुआ था उसके साथ। अरे कितनी बार आप लोग याद दिलाएंगे कि मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था? मैं जानता हूँ, पूरा मोहल्ला जानता है, पूरा दीघापुर जानता है, लेकिन पहले नहीं पता था कि वो इतनी तकलीफ में, और उल्टा आप मुझसे ही पूछ रहे हैं कि मैंने उसे वो गोली देके मारा है। जिसने भी मेरी बेटी के साथ ये सब किया है बस एक बार हाथ आ जाए, कोर्ट कचहरी नहीं जाऊंगा मैं, बस हाथ आ जाए तो गला दबा के वही फैसला कर दूंगा उसका। जिस वक्त पुलिस अपराधी का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, उन्हें 14 जुलाई के एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में पता चलने वाला था, जब श्रुति महतो स्कूल में थी। क्या इस पहलू की भूमिका श्रुति महतो के साथ हुए हादसे से जुड़ी हुई थी? श्रुति बीच में गई थी। बेटा कब हुआ था ये? मेरे हिंदी वाले पीरियड के पहले वाले पीरियड में। यस मैम। तो फिर वो वापस कब आई? शायद दक्षा मिस के पीरियड में, पर मुझे ठीक से याद नहीं है। वो वापस आई और चुपचाप अपना सिर बेंच पर रखकर सो गई। तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई प्रिया कि श्रुति बाहर गई थी? सॉरी मिस, मुझे नहीं पता था कि श्रुति के साथ ऐसा होगा। बेटा उसने कुछ बताया कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है? नहीं। उस वक्त तो क्लास में बहुत से लोग थे, किसी से तो कुछ कहा होगा। बेटा तुम्हें सिखाया था ना गुड टच और बैड टच के बारे में, याद है? यस मिस। तो श्रुति ने कभी तुम्हें बताया था कि कोई उसे बैड टच कर रहा है? नहीं मिस, श्रुति ने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। किसी लड़के के बारे में बताया था, कोई परेशान कर रहा था क्या उसे? नहीं। एक्सक्यूज मी, बोलो कल्पेश, कुछ मिला? एक स्ट्रॉन्ग लीड मिली है सर। नाम बताओ, कौन है वो? सर इंसिडेंट 14 जुलाई का था और हमें ये लीड खबरी नेटवर्क से 19 जुलाई को मिली है, यानी कि श्रुति के डेथ के 4 दिन बाद। खबर पक्की थी? लग रही थी सर, क्योंकि श्रुति उस घर से काफी करीब थी, उसका खाना पीना और सोना था वहां पर। शायद इसीलिए बच्ची कुछ बोल नहीं पाई हो, क्योंकि वो एक्यूज्ड के करीब ही थी।
चले कालू यादव चल। क्यों साहब, कालू को कहाँ लेके जा रहे हैं? चल 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 बताते हैं ना। ऐसे पूछेंगे क्या किया था, कैसे किया था, बता देना बस। मुझसे क्यों पूछेंगे साहब? क्योंकि तू जानता, पहले तू बताना उसके बाद इसे उठाएंगे। वो अपना बताएगा, तू अपना बता। अरे साहब डरो मत, गोली नहीं मारेंगे, फिर सवाल पूछेंगे। अगर बता दे तो सब कुछ ठीक, नहीं तो अगला नंबर मनोहर का है। लेकिन सर क्यों लेके जा रहे हैं? तो भोपरा मिला मनोहर भाई, अरे क्यों लेके गए इनको? अरे फंसा देंगे ये लोग, कुछ तो कीजिए मनोहर भाई, कुछ तो कीजिए, फंसा के रख देंगे ये लोग। क्यों लेके गए, कहाँ लेके गए? अपनी तरफ से चेक किया तुम लोगों ने? भरोसे के लायक तो है ना ये लीड? बिल्कुल भरोसे के लायक है सर। विक्टिम के माँ बाप ने तो नाम तक नहीं लिया था उसका, अपनी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही उठाया है हमने कालू। संजय सच उगलवाओ उससे, इस केस की चर्चा असेंबली तक पहुंच गई है, केस क्लोज करना है। श्रुति ने क्यों नहीं बताया उसका नाम? नहीं मनोहर, मुझे नहीं लगता कि कालू भाई ऐसा करेंगे उसके साथ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि पुलिस ले क्यों गई है उनको। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कावेरी। तो साला पड़ोसी है ना मनोहर कावेरी का? जी साहब। खबर पक्की है सर, ये बात हमारे अलावा हर कोई जानता है कि श्रुति स्कूल से आने के बाद शाम तक इसी के यहाँ रुकती थी। अब पता नहीं कावेरी और मनोहर ने हमसे ये बात जानबूझकर छुपाई है और उनके दिमाग से निकल गई। अरे श्रुति आ जाओ बेटा, तुम अकेले आई हो? निशा कहाँ है? उसका स्कूल में स्पोर्ट्स चल रहा है, वो एक घंटे बाद छूटेगी, तब जाकर ले आऊंगी। काका, काकी कहीं गई है क्या? हाँ बेटा, वो तेरी काकी वो मुनु के स्कूल गई है फीस जमा करने। श्रुति तो बहुत सुंदर दिखती है। सर कालू ने डिटेल कन्फेशन दिए, उसने पिल कहाँ से खरीदी, श्रुति को कैसे दी और देने की डेट भी मेंशन की है सर, 13 जुलाई, यानी कि श्रुति के डेथ से एक दिन पहले। उसमें 2 गोलियां, याद से आज रात में खा लेना, सब ठीक हो जाएगा। दर्द की गोली है? हाँ, इससे दर्द भी ठीक हो जाएगा, पी ले। लेकिन दर्द होता क्यों? अरे होता है लेकिन किसी को बोलते नहीं है, तो ये गोलियां का सब सही हो जाएगा। जब कालू ने सब कुछ बता ही दिया था कि उसने पिल कहाँ से खरीदी, कैसे खिलाई, तो फिर क्या तकलीफ थी इन्हें? ये न्यू इन्वेस्टिगेशन की मांग किसने उठाई? सर श्रुति की माँ कावेरी ने, उनको पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा नहीं था, कह रही थी कि कुछ झोल है, कि पुलिस वालों ने असली आरोपी को बचाने के लिए कालू को पकड़ा था। कालू यादव ने अपने कन्फेशन में सब कुछ बताया था, ये जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं इसका कोई बेस है या बस हवा में बात हो रही? पुलिस ने फंसा दिया कालू जी को कावेरी, ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है कि श्रुति मीडिया के साथ उन्होंने ऐसा किया है? आप लोग कुछ कीजिए, नहीं तो पुलिस वाले ना फांसी पे चढ़ा देंगे उनको। प्रमिला, उन्हें कुछ तो मिला होगा ना इसलिए उठा के लेके गए कालू को, उसने खुद ही तो बताया कि ये सब कैसे किया उसने। हम लोग भरोसा करते थे तुम पर प्रमिला, अपनी बच्ची को छोड़ के जाती थी तुम्हारे भरोसे, कैसे कर सकता है ये सब कालू? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। मनोहर भाई साहब आप कुछ बोलिए ना, नहीं तो बोलो जिंदगी बर्बाद कर देंगे उनकी। कुछ तो बोलिए, कुछ तो कीजिए। अरे वैसा नहीं कर सकते, कुछ तो कीजिए आप लोग, कुछ तो कीजिए। बच्ची का पड़ोसी था इसके पीछे, लेकिन हमारी तरफ से भी लापरवाही हुई है पापा। खबर तो ऐसी आ रही है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म कई महीनों से हो रहा था, वो इस हालत में 2 महीने से थी, वो बच्ची पूरा पूरा दिन आप लोगों के साथ रहती थी, ऐसे किसी किसी को पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हो रहा है? अनामिका जी, उसके घर वालों तक को नहीं पता था, हमको कैसे पता चलता? पापा, वो प्रिया जिसने बताया था श्रुति क्लास से बाहर गई थी, अब प्रेस उसी को बेस बना के पुलिस से सवाल कर रही है, कह रही है कि इतना इंपॉर्टेंट एंगल पुलिस कैसे छोड़ सकती है। अरे लेकिन उसने बताया कि बाहर गई थी, ये तो नहीं बताया ना कहाँ गई थी, शायद बाथरूम गई हो। पापा, जगदीश जी होंगे इसके पीछे। सही सुना है आप लोगों ने, आरोपी हमारी कस्टडी में है, कन्फर्मेशन के लिए उसका मेडिकल करवाया जाए। क्या आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है? जी हाँ, आरोपी ने कन्फेस किया अपना जुर्म, उसने हमें खुद बताया है कि उसने उस 10 साल की बच्ची का कब और कहां पर यौन उत्पीड़न किया था, और जब उसे पता चला कि मामला बिगड़ गया है तो
तो उसने बच्ची को पिल्स भी दिए। कालू यादव ने सोचा कि जब बच्ची ने पहली बार कुछ नहीं बोला तो इस बार भी चुप रहेगी, इसलिए उसने पिल्स दिए जिसे बच्ची का शरीर सहन नहीं कर पाया। उसे ब्लीडिंग हुई जिसके चलते उसकी डेथ हो गई। लेकिन हमें तो पता चला है कि ये काम कालू यादव का है ही नहीं। पुलिस स्कूल वालों को बचाने के लिए कालू यादव को गलत फंसा रही है। हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से की है, तभी आरोपी का बयान आप लोगों के सामने रखा। लेकिन आप लोगों ने अंदाजा लगाकर हर बार हमारा काम मुश्किल करने की कोशिश जरूर की है। मुझे नहीं लगता कि आरोपी के बयान से बढ़कर भी कोई चीज हो सकती। अगर आपको लगता है कि इसका जिम्मेदार कोई और है तो उसका नाम बताइए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लोग बच्ची के साथ हुए इस हादसे के पीछे स्कूल वालों के होने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपने स्कूल के खिलाफ तो कोई कार्रवाई की नहीं। क्या इसकी वजह बाहुबली मदनलाल भंडारी है जिसका स्कूल है? क्या पुलिस के ऊपर दबाव है भंडारी को बचाने का? देखिए, स्कूल की पहले भी काफी बदनामी हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि इसमें स्कूल अथॉरिटीज का कोई भी हाथ है, क्योंकि हमारी जांच में उनका नाम कहीं भी सामने नहीं आया है। और रही बात दबाव की, तो जब भी इस तरह का जघन्य अपराध होता है तो हमारे ऊपर जनता की उम्मीदों के अलावा किसी और का कोई दबाव नहीं होता। कहीं इसी दबाव के चलते लोगों को शांत करने के लिए कालू यादव को बलि का बकरा तो नहीं बनाया? देखिए, हमने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया। हाँ, आप लोग जरूर हमें बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपी को हमारे सामने लाया जाए, हम हादसे के बारे में उनसे सवाल करना चाहते हैं। ये केस बहुत सेंसिटिव है मैडम, आरोपी को इस तरह से आपके सामने नहीं ला सकते, इन्फॉर्मेशन लीक होने का डर है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि विक्टिम के फादर को शुरू से ही सब कुछ पता था? हम ये एंगल भी टटोल रहे हैं, जो कुछ भी सामने आएगा आपको बता दिया जाएगा। ये सच है? आप शुरू से जानते थे? ये क्या बात कर रही हो कावेरी? अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं मरने देता क्या अपने बच्चे को? लोग कह रहे हैं कि वो आपका दोस्त है और आप उसको बचा रहे हो। लोग क्या बोलते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि तुम क्या बोल रही हो। अगर कालू मेरा दोस्त है तो उसकी पत्नी परमिला तुम्हारी सहेली है ना? इसके पहले तुम्हारे मन में कभी आया कि कालू ऐसा कुछ कर सकता है? बताओ, अरे मैं क्यों बचाऊंगा उसे? देखो कावेरी, मुझे अब भी लगता है कि कालू ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अरे श्रुति को अपनी बेटी मानता था वो। पुलिस ने जिसे आरोपी बनाया है वो कालू यादव पीड़िता का पड़ोसी, पीड़िता के पिता का अच्छा दोस्त। पुलिस ने कालू यादव को हिरासत में लिया है, उनका दावा है कि वही असली मुजरिम। लेकिन हमारे सूत्रों का कहना है कि पुलिस स्कूल अथॉरिटीज और स्कूल ऑनर के दबाव में है और उन्हें बचाने के लिए कालू यादव को गिरफ्तार किया गया। क्या दीघापुर रेप केस में असली आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या पीड़िता के साथ हुए अपराध का जिम्मेदार स्कूल में से ही कोई है? हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि पीड़िता की मां स्कूल की भूमिका की जांच के लिए एप्लीकेशन दे रही है। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि पीड़िता के दर्द की जो कहानी हमें पुलिस से पता चली है वो सच्चाई से कोसों दूर हो। और इस बात में भी कोई हैरानी नहीं होगी, कल को अगर उस 10 साल की बच्ची के साथ हुई इस अमानवीय घटना के पीछे कोई और साजिश निकल आए। इस अपराध में जो नया नाम सामने आ रहा है उसे सुनकर चौंक जाएंगे आप सब लोग। ये एक बड़ा नाम है जिसने 10 साल की बच्ची का फायदा उठाया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर का एक एक पहलू हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। केस में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। अटकलें लगाई जा रही थी कि इस अपराध की गहराई में कोई बड़ा नाम शामिल है। क्या ये मोड़ इस केस में खुद आया था या फिर इस केस को घुमाने के लिए ये मोड़ जानबूझकर लाया गया? सब इंस्पेक्टर कल्पेश शर्मा, आपको समझ में तो आ रहा है ना आप कर क्या रहे हैं? एक जर्नलिस्ट को धमकी दे रहे हैं आप। बिल्कुल समझ में आ रहा है, और ये भी समझ में आ रहा है कि जर्नलिज्म के नाम पर सरकारी मुलाजिमों के काम में बाधा डाल रहे हैं आप लोगों की कोई गड़बड़ी पकड़ी जाए तो जानबूझकर उसे बाधा का नाम जानबूझकर फेक न्यूज बना रही हैं आप। अब जाहिर सी बात है, बेवजह तो कर नहीं रही होंगी ये सब। किसके कहने पर कर रही हैं? कितने पैसे मिले हैं सब करने के लिए? मुझे उकसाने की कोशिश मत कीजिए आप। ये इल्जाम मैं आप पे भी लगा सकती हूँ, इनफैक्ट मैं तो खुलेआम आप पे इल्जाम लगा सकती हूँ। आखिर पूरे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर फेक इन्वेस्टिगेशन जो चला रहे हैं, वरना किशन भंडारी इसका नाम कैसे गायब है आपकी इन्वेस्टिगेशन से? आपने छोड़ दिया उसे, हम नहीं छोड़े। मेरी पूरी टीम जा रही है भंडारी के घर उससे सवाल पूछने के लिए, और उसके बाद सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे और आपके सीनियर्स उनको भी सवाल पूछेंगे। पहले हम पूछेंगे, फिर पूरे देश की मीडिया सवाल पूछेगी। कह दीजिए अपने सीनियर्स, जवाब तैयार रखें।
केस को री इन्वेस्टिगेट कराने और भंडारी फैमिली से पूछताछ कराने के लिए ये रहा विक्टिम की माँ कावेरी माथो का एप्लीकेशन। इनके पास स्कूल ओनर मदनलाल भंडारी के बेटे किशन भंडारी के खिलाफ इस क्राइम में शामिल होने वाली अहम जानकारी है। अगर ये जानकारी थी तो पुलिस को पहले से क्यों नहीं बताया, और अचानक ये जानकारी कहाँ से आई? बताया है किसी ने, उस स्कूल में से ही कंजान फोन आया था। गलत आदमी पकड़ा है पुलिस ने कावेरी जी, ये कालू यादव का काम नहीं है। फिर किसने किया है? किसी स्कूल वाले ने ही। किसने? किशन भंडारी, स्कूल के मालिक मदनलाल भंडारी का बेटा। किसने बताया? नाम नहीं बताया उसने। नाम नहीं बताया लेकिन ये बता दिया कि स्कूल से फोन कर रहा है। फोन कावेरी को आया, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको नाम जरूर पता होगा देविका जी, क्योंकि लोगों को भड़काने और इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ाने के अलावा एनजीओ वालों को और कोई काम नहीं है क्या? जबान संभालिए ऑफिसर। आप भी अपनी जुबान काबू में रखिए देविका जी। कावेरी इनकी बातों में आकर गुमराह मत होना। हमने सही आरोपी को पकड़ा है। कालू ने अपने अपराध की पूरी जानकारी दी है और ये नया किस्सा लेकर आ गई है अपना एजेंडा पूरा करने के लिए। इनकी बातों में मत आना, ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। गुमराह तो आप लोगों ने किया हमें कालू भाई के खिलाफ। सालों से जानते हैं हम उन्हें, घर जैसा रिश्ता है हमारा, मेरी बच्ची को बेटी जैसा मानते हैं। आप लोगों की बातों में आकर हमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि वो श्रुति के साथ ऐसा कुछ करेंगे? साफ साफ दिख रहा है ये लोग साजिश रच रहे हमारे खिलाफ, उस बच्चे के खिलाफ, क्योंकि हमें इस केस में घसीटेंगे तो ये केस गुमराह होगा और असली मुजरिम जो है वो छूट जाएगा। ये जगदीश 10 साल की बच्ची की लाश को लेकर राजनीति का गंदा खेल खेल रहा है हमारे साथ। अरे खेलना ही तो हमारे साथ खेलो, हमारे बेटे को, हमारे बेटे किशन का नाम क्यों घसीटा इसमें? उसका स्कूल से कोई नाता नहीं है, और वो स्कूल जाकर ऐसा घिनौना काम क्यों करेगा? देखिए, हम पुलिस की किसी भी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है। उस 10 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, मुझ पर ऐसा भद्दा आरोप ना लगाया जाए। पुलिस वाले मुझसे जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं, मगर मुझे ढाल बना के मेरे पापा के स्कूल को हड़पने की कोशिश करना ठीक नहीं है। मैं बेगुनाह हूँ और ये सब नाटक सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा के स्कूल को हड़पने के लिए किया जा रहा है और कुछ नहीं। हमें यकीन है कि उस बेचारी बच्ची के घर वालों को या तो डराया गया है या फिर उन्हें कोई लालच दी गई है, लेकिन हमें उनसे पूछना चाहिए कौन है इसके पीछे जो मेरे भाई को फंसाना चाहता है। हम इन झूठे आरोपों से डरने वाले नहीं है। पूरे दीगापुर शहर में अब मोर्चा निकाला जाने लगा, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। हर तरफ से मांग की जाने लगी कि इस केस की री इन्वेस्टिगेशन हायर अथॉरिटी से करवाई जाए। हर तरफ से दबाव बढ़ने के बाद पुलिस ने स्कूल ओनर मदनलाल भंडारी के बेटे किशन भंडारी से पूछताछ की, लेकिन उन्हें किशन भंडारी के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। और केस के मुख्य आरोपी पीड़िता के पड़ोसी कालू यादव के खिलाफ सबूत जैसे के तैसे बने रहे। लेकिन चारों तरफ हो रहे विरोध प्रदर्शन ने केस में दोबारा इन्वेस्टिगेशन की मांग को ठंडा नहीं पड़ने दिया। क्या री इन्वेस्टिगेट करें? क्या पुरानी इन्वेस्टिगेशन में कोई गैप है? सर, अगर जानबूझकर कुछ छुपाने के लिए कोई गलती ना की गई तो गैप ढूंढ पाना मुश्किल। सर, पहली बार में तो कोई खामी नजर नहीं आ रही है। अगर बड़े लोग शामिल हो जाएं तो सब पैसों का खेल हो जाता है। पैसे का खेल नहीं तो और क्या है माथुर? उनकी बेटी मरी है, हमने पड़ोसी को पकड़ा है, वो मान भी रहा है, लेकिन अब घर वाले नहीं मान रहे, क्यों? तुम्हें क्या लगता है त्यागी, कौन है इस सबके पीछे? भंडारी फैमिली को तकलीफ देकर जिसे फायदा होगा वो ही है इसके पीछे। इस केस में वो जगदीश पांडे भी है, बाहुबली। दोनों बाहुबलियों का आपस में 36 का आंकड़ा है और उसकी मदद कर रही है वो एनजीओ वाली देविका चौधरी। हमदर्द बनकर अगर वो पैसे देगी तो लेने वाली फैमिली को बुरा क्यों लगेगा भला? किशन भंडारी को कितना चेक किया तुम लोगों ने? लगातार 3 दिन 6-6 घंटे पूछताछ की, अलग अलग ढंग से, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। तो इससे साफ हो जाता है कि बेटे के जरिए बाप को टारगेट करने की कोशिश थी। और कावेरी को जो कॉल आया था उसमें कितनी सच्चाई है? फोन तो आया था पर पीसीओ से, और फोन करने वाले का अब तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक बात श्योर हो गई है कि अक्यूज्ड कालू की वाइफ प्रमिला और विक्टिम की फैमिली आपस में मिले हुए। खुद विक्टिम की फैमिली? हैरानी हो रही है माथुर, पैसे में बहुत वजन होता है, मजबूत से मजबूत कंधों को झुका देता है, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। जब लगा कि बेटी तो चली गई, अब वापिस आ नहीं सकती, तो चलो पैसे चुन लो, तो चुन लिया पैसा। और कालू को बाहर निकालने का भी एक ही तरीका था कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पर ही सवाल खड़े करें। इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुमसे कुछ छूट गया हो त्यागी, कोई छोटी मोटी बात? कालू यादव की डिटेल्ड कन्फेशन तुम्हारे पास है, एक एक पल का ब्यौरा, ध्यान से पढ़ना। अगर कोई भी सवाल आए तो मैं तो यहीं हूं। नाटक चल रहा है माथुर,
बच्चे की लाश पर रंगमंच सजा रखा है। हेलो। हेलो कौन? PSI ललित स्पीकिंग, क्राइम ब्रांच। आप लोग इस केस पर हो? कौन बोल रहा है? जिंदा रहना है ना साहब, इसलिए अपना नाम नहीं रखा। बिना नाम के खबर की क्या वैल्यू? मुझे फेमस होने का कोई शौक नहीं है। बाकी खबर है प्रिंसिपल साहिबा निधि दाहिया के पास। बहुत राज छुपे हैं इस कुर्सी के नीचे। सोचिए जरा, स्कूल की बच्ची के साथ ऐसा होता है, वो भी स्कूल में ही, लेकिन अस्पताल ले जाते हैं 2 मिनट। क्यों? इतनी हालत खराब थी कि बच्ची रास्ते में ही मर गई। और बाकी लोग वहीं क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गया? अब बिना नाम के और कितना खबर लेंगे साहब, दिमाग लगाइए। क्यों एक मरती हुई बच्ची को उन 2 मिनट्स के साथ भेजा गया? बाकी सब वहीं क्यों रुक गए? हेलो, नंबर ट्रेस हो रहा है। मुझे लगता है कि ये वही आदमी है जिसने कावेरी को किशन का नाम बताया था। सर, या फिर ये कहे कि किशन के नाम पे भड़काया था, जैसे त्यागी सर ने कहा कि यार हर कोई एक ही मकसद के पीछे, पैसा। क्या कहा कॉलर ने? कि सिर्फ मेड्स को भेजा गया, बाकी लोग वहीं रुक गए। जी, लेकिन कारण नहीं बताया उसने। बाकी लोग सीन ऑफ क्राइम पर सबूत मिटाने के लिए रुक गए होंगे। लेकिन सर, सीन ऑफ क्राइम पे तो डॉक्टर रागिनी प्रधान और एफएसएल दोनों को बुलाया था। लेकिन अर्चना, ऐसा तो नहीं है कि सीन ऑफ क्राइम क्रिएट नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टिगेशन को अपने तरीके से चलाने के लिए चीजें रिक्रिएट की गई हो। लेकिन सर, अगर ऐसा है तो फिर वहां पे कुछ बदला क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात, किसी ने कुछ नोटिस क्यों नहीं किया? सब कुछ मिला वहां पे, वो ब्लड मिला, वो मांस का टुकड़ा मिला, उसी से पता चलता है कि लड़की के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था और क्या नहीं। सर, मुझे लगता है कि ये सारी कहानी विक्टिम की फैमिली की तरफ से खेली गई है, पैसों के लिए और कालू को बचाने के लिए। और वैसे भी भंडारी का नाम शामिल हो जाने से लोगों की सिंपैथी मिल जाती है, सबको लगता है कि किसी गरीब आदमी को मिलकर सबने फंसाया है। अगर ऐसा है तो ठीक है, पता लगाते हैं कि क्या वाकई में कोई साजिश है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में सिर्फ उतना नहीं है जितना दिखाई दे रहा है, बल्कि कहीं बहुत गहरे में कुछ दबा है। सच क्या था, झूठ क्या था? वो कौन था जिसने सच बोला था और कौन था जिसने सच छुपाया था? महेश चतुर्वेदी, क्राइम ब्रांच आ जाओ, उनसे बात करनी है। श्रुति के साथ आखिर हुआ क्या और उसका गुनहगार था कौन? महेश थाने की पुलिस नहीं है, अब सब कुछ क्राइम ब्रांच के पास है। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं चाहता, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ गए? मामले में अब एक चौंकाने वाला सच सामने आने वाला था। सच इतना हैरान करने वाला था कि कठोर दिल वाले इंसान भी हिल जाए। लेकिन क्या यह सच अब तक सामने आई कहानी से बिल्कुल अलग था? क्या पुलिस की जांच में वाकई गड़बड़ी हुई थी? क्या पीड़िता का पड़ोसी कालू यादव निर्दोष था, या फिर उसकी सच्चाई कुछ और ही थी और यह खेल पैसों के आसपास घूम रहा था? मामले में किसका स्वार्थ निहित था और यह नई इन्वेस्टिगेटिंग टीम सच को कैसे सामने लाई? श्रुति के साथ इंसाफ होना चाहिए जो उसे मिलकर रहेगा, और यह हम देखेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। जय हिंद।